किंगडम मोनेरा ख़त्म कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेकेंड किंगडम जिसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम है, ठीक, पता चल गया, प्रोटिस्टा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? यूकैरियोटिक्स आते हैं। यूकैरियोटिक्स जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। उसके बाद सेल वॉल, इसके किसी किसी प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल होता है और किसी किसी में नहीं होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा इसी से क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक के पास सेल मेम्ब्रेन होता है। ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, तो ये दोनों होते हैं। क्या क्या पढ़ना है? ये प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। सम के पास सेल होता है, किसी के पास सेल होता है, किसी के पास नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं है कि होगा ही, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता है, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक देन दे हैव न्यूक्लियर। देखो इधर मैंने ट्रिक भी लगाया है, इससे क्लियर हो जाता है कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है, तो ये बोथ है, मतलब दोनों हैं। कुछ इसमें से ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं, और दोनों भी होते हैं, पढ़ेंगे अभी। उसके बाद इन्हें हम लोग पता है क्या कहते हैं? लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक्स ऑल्सो एंड हेटरोट्रॉफिक ऑल्सो। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों इसे लिंक कहा जाता है प्लांट और एनिमल्स के बीच का, ठीक है। क्राइजोफाइट्स एक ऐसा प्रोटिस्टा है जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो एक प्रोटिस्टा है, उसके फीचर्स इतने सारे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्राइजोफाइट में डायटम्स, जिसे हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, डेस्मिट्स भी कहते हैं, ठीक है। कौन कौन आ जाएगा क्राइजोफाइट्स में? डायटम्स आएंगे, डेस्मिट्स आएंगे, गोल्डन एल्गी आएगा, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद क्या है? मोस्ट फोटोसिंथेटिक, इसमें जो जो डायटम्स, डेस्मिट्स और गोल्डन एल्गी होते हैं वो ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं? वेयर दे आर फाउंड, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्लोट पैसिवली। देखो ये तो मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, और ये पानी के साथ बहते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायटम्स सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग, जो डायटम्स का सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? वो सोप बॉक्स जैसा होता है स्ट्रक्चर। डायटम सेल वॉल का स्ट्रक्चर सोप बॉक्स जैसा होता है, जस्ट रिमेंबर दैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट सिलिका प्रेजेंट इन वॉल ड्यू टू दिस इंडस्ट्रिबल। देखो जो सिलिका होता है वो उनके वॉल्स में प्रेजेंट होता है, इसके वजह से वो इंडस्ट्रिबल होते हैं। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट में क्या दिया है? जो भी लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और बिलियन ईयर्स के बाद वो क्या बना देते हैं? डायमेशियस अर्थ। इसका मतलब क्या है? जब ये लोग डीके होने लगते हैं तो इनके जो सेल वॉल होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, और बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये जहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायमेशियस अर्थ। सॉइल इज़ यूज फॉर वॉट? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन के लिए, और सिरप बनाने के लिए। और ये डायटम्स आर वेरी चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। ये ज़्यादातर डायटम्स कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं ओशंस में, ठीक है, क्लियर हुआ। ये किंगडम प्रोटिस्टा क्लियर हुआ, आई थिंक सो, हो गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड हर हर महादेव।